पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोग ओसामा बिन लादेन और अलकायदा ऑर्गेनाइजेशन पर एक ब्रीफ वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, एंड उसके बाद आपने तो कमेंट्स की लाइन ही लगा दी। और उन कमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी। सबसे बड़ा आतंकी अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है। I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. जब मैं अफगानिस्तान हिस्ट्री पर रिसर्च कर रहा था तो सभी आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्रीज में मुझे एक बात बहुत ज्यादा अजीब लगी कि जिस कंट्री ने अफगान सोवियत वॉर के दौरान ओसामा को गन्स दी, फंडिंग्स दी और उसे मजबूत करा, उसने उसी देश पर टेररिस्ट अटैक करवा दिया। और ये बात पक्का आप लोगों ने भी सोची होगी अगर आपने अफगानिस्तान हिस्ट्री वाली वीडियो देखी है तो। अगर नहीं भी देखी तो आई प्रेफर यू टू वॉच इट सो दैट आपको ये वाली वीडियो और ज्यादा अच्छे से समझ आए। ओसामा बिन लादेन 6 फीट 5 इंच हाइट, एक सिविल इंजीनियर, पिता के पास बेशुमार दौलत, बट फिर भी ये एक आतंकवादी बन गया, कैसे? ये जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ कुछ 100 साल पीछे जाना होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। इस युद्ध में जर्मनी सभी अलाइड पावर से हार जाता है। एंड जर्मनी के हारने का एक बहुत ही मेन रीजन था शॉर्टेज ऑफ ऑयल। ये वॉर ह्यूमन हिस्ट्री का पहला मॉडर्न वॉरफेयर था। They had assembled the greatest concentration of air power ever employed in war so far. 168 planes at Verdun. जर्मनी के पास हजारों टैंक्स थे, कई शिप्स थी, प्लेन्स थे, बट उनके पास उन्हें चलाने के लिए ऑयल ही नहीं बचा था। और इस इंसिडेंट से पूरी दुनिया ने एक सीख ली कि आने वाले समय में जिसके पास ऑयल रिजर्व्स हैं, वो ही दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। एंड 1930s आते आते इस देश में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही थी। इसी दौरान यूएस ने अपनी ऑयल पावर को इंक्रीज करने की सोची, एंड उसके लिए उसने कंट्री चुनी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में ऑयल ढूंढने के लिए एक कैलिफोर्निया की ऑयल कंपनी ने सऊदी के डेजर्ट्स में ऑयल के रिजर्व्स को सर्च करा। एंड कुछ ही सालों की मेहनत के बाद उन्हें ऑयल रिजर्व्स मिल भी गए। ये बात उन्होंने जाकर सऊदी की रॉयल फैमिली को बताई, तो उन्होंने एक छोटा सा ऑयल प्लांट लगाने की परमिशन यूएस की कंपनी को दे दी। और बढ़ते काम को देख यूएस ने सऊदी में एक कॉलोनी बनाने की परमिशन भी राजा से मांगी। राजा ने बोला कि यार अब लेबर्स भी आ रहे हैं, इंजीनियर्स भी आ रहे हैं अमेरिका से, तो उनको रहने के लिए तो एक प्रॉपर जगह चाहिए। तो राजा ने बोला ठीक है भाई बना लो। लेकिन जो सऊदी की आम जनता थी वो इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जो यूएस का कल्चर था वो सऊदी के कल्चर से बहुत ज़्यादा अलग था। यूएस में औरतें अल्कोहल भी कंज्यूम करती थी, कार भी ड्राइव करती थी, जीन्स एंड शॉर्ट्स पहनती थी, जो कि उस टाइम के सऊदी अरेबिया के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट राजा ने जो बोल दिया भाई वही सब कुछ था। एंड धीरे धीरे और भी कई रिजर्व्स ढूंढे गए। अब ऑयल प्लांट्स लगाने के लिए यूएस को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहिए थी, और उसके लिए सऊदी के राजा ने मोहम्मद का नाम आगे करा, जो कि सऊदी की एक बहुत ही जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था, और उसे वो सारे प्रोजेक्ट्स दे दिए। अब सऊदी और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था, और यूएस ने अपना एक बेस सऊदी में बना डाला। ओके वेट, अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो ओसामा के बारे में बात कर रहे थे, ये ऑयल और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये बेस कैंप्स, ये कहाँ से आ गए? सो गाइस स्टार्ट द काउंटडाउन। अब सऊदी की रॉयल फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर होती जा रही थी, एंड मोहम्मद जो कि यूएस के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहा था वो भी। मोहम्मद का पूरा नाम था मोहम्मद बिन लादेन, और उसकी 22 बीवियाँ थी, 50 बच्चे थे, और उसकी 10वीं बीवी ने ओसामा बिन लादेन को जन्म दिया था। कुछ ही समय के बाद मोहम्मद की बीवी ने उससे डाइवोर्स भी ले लिया था, और अब ओसामा अपनी माँ के साथ इजिप्ट में रहता था, जहाँ उसने अपनी स्कूलिंग एक इस्लामिक स्कूल में कंप्लीट करी। और स्कूलिंग के ही दौरान उसने एक इस्लामिक स्टडी ग्रुप ज्वाइन करा,
जहां उसने कुरान को अच्छे से पढ़ा और समझा। उस स्टडी ग्रुप के टीचर ने ओसामा को जिहाद और इस्लामिक रूल्स के बारे में समझाया कि इस्लामिक रूल कितना ग्रेट है और कितना वेल सिविलाइज्ड है। ये सब चीज़ें उसने ओसामा को समझाई और उस चीज़ ने कहीं ना कहीं ओसामा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करा। قد أصابه الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها فدمر أعظم مبانيها فلله الحمد والمنة। और अब 1970 में उसने सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अपनी कॉलेज लाइफ के दौरान उसने कई प्रोटेस्ट करे एंड वो ज़्यादातर पॉलिटिकली एक्टिव रहा। जैसे ही 1976 में उसकी सिविल इंजीनियरिंग हुई तो वो वापस सऊदी चला गया अपना फैमिली बिजनेस संभालने के लिए, क्योंकि 1967 में ओसामा के पिता मोहम्मद बिन लादेन की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। जब वो सऊदी गया तो उसने देखा कि यूएस की मिलिट्री ने सऊदी में अपने बड़े बड़े बेस कैंप बना रखे हैं और जो दो पूरे इस्लाम रिलीजन के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं, मक्का और मदीना। उस देश की पवित्र मिट्टी पर किसी और रिलीजन की कंट्री का फ्लैग है। इस चीज ने ओसामा के मन में अमेरिका के लिए एक नफरत पैदा कर दी और उसने सऊदी के राजा को समझाने की कोशिश करी कि ये अमेरिकन्स किसी के सगे नहीं होते, लेकिन राजा ने उसकी बातों को हंसी मजाक में टाल दिया। एंड तब ओसामा ने भी इस बात को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसने कहा कि चलो ठीक है, वो अपने काम धंधे में लग गया। और तभी 1979 में अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन ने इन्वेड कर दिया। अब पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक हो चुका था और उसी को देख ओसामा ने अफगानिस्तान में चल रहे जिहाद को ज्वाइन कर लिया। अब वो उन मुजाहिदीन फाइटर्स को ट्रेनिंग देने लग गया था एंड इस चीज़ में अमेरिका की CIA एजेंसी ने ओसामा को हर चीज़ से हेल्प करी, पैसों से लेकर हथियार तक एंड एवरीथिंग। और 1989 में सोवियत यूनियन हार गई और अफगान मुजाहिदीन फाइटर्स जीत गए। अब ओसामा बिन लादेन पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का हीरो बन गया था। जब वो वापस सऊदी गया तो फूल मालाओं से उसका स्वागत करा गया, यहाँ तक कि अमेरिका ने तो ओसामा को फ्रीडम फाइटर का टाइटल भी दे दिया था। ओसामा ने फिर दोबारा अपना काम धाम सऊदी में संभाला, बट अगले ही साल 1990 में इराक का डिक्टेटर सद्दाम हुसैन एक छोटे से देश कुवैत को इन्वेड कर देता है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 18% ऑयल प्रोड्यूस करता था। कुवैत से बस थोड़ी ही दूर सऊदी के ऑयल प्लांट्स थे जो अमेरिकन कंपनी ने बनाए थे एंड अब वो खतरे में आ चुके थे। जैसे ही ओसामा को ये बात पता लगी तो उसने सऊदी के राजा से जाकर बात करी और बोला कि मैं अपने मुजाहिदीन फाइटर्स को बुला देता हूँ, वो इराक की आर्मी से अच्छे से लड़ लेंगे एंड उन्हें अभी अभी एक वॉर का एक्सपीरियंस भी है। सऊदी की रॉयल फैमिली ने उसका मजाक उड़ाया और बोला कि यहाँ छुपने के लिए कोई गुफाएं नहीं है भाई, ये युद्ध रेगिस्तान में लड़ा जाएगा और मुजाहिदीन फाइटर्स इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। एंड तब सऊदी ने यूएस की हेल्प मांगकर इराक की आर्मी को हरा दिया और इसी दौरान यूएस ने अपने और ज़्यादा मिलिट्री बेसिस सऊदी अरेबिया की ज़मीन पर बना दिए। अब ओसामा की सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उसने अब पब्लिकली सऊदी रॉयल फैमिली की बुराई करनी स्टार्ट कर दी थी, उन्हें एक लालची परिवार बुलाने लग गया था। ये सब देखते हुए सऊदी के राजा ने ओसामा का देश निकाला कर दिया, उसके पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया एंड उसके सभी फंड्स को फ्रीज कर दिया, मतलब बिल्कुल लाचार कर दिया। लेकिन ओसामा यहाँ रुकने नहीं वाला था, अब वो सऊदी छोड़कर सूडान चला गया। सूडान में उसने अपना कंस्ट्रक्शन का ही एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा जो कि बाद में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, जिसे वहाँ की गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और जब उस बिजनेस से रेवेन्यू अच्छा खासा आने लग गया तो 1993 में उसने एक सीक्रेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अलकायदा, जिसका मतलब था द बेस। एंड अब उसने अमेरिका के खिलाफ एक वॉर स्टार्ट कर दिया जिसे उसने दोबारा एक जिहाद का ही नाम दिया। जिसमें उसने ग्लोबली अमेरिका के लोगों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। कभी सऊदी के अमेरिकन बेसिस पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाना, कीनिया तंजानिया में अमेरिकन एम्बेसी पर टेररिस्ट अटैक करवाना एंड और भी कई तरीकों से उसने यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इन सभी अटैक में लगभग 300 US citizens की डेथ हो गई।
अब सूडान की गवर्नमेंट पर और दूसरे देश प्रेशर बना रहे थे कि ओसामा को निकाल दो, आप एक टेररिस्ट को कैसे पनाह दे सकते हो, एंड ऑल मतलब उनको एक तरीके से घेर रहे थे। और इसी दबाव में आकर 1996 में सूडान की गवर्नमेंट ने ओसामा को सूडान से निकाल दिया। अब ओसामा सऊदी तो वापस जा नहीं सकता था, इसलिए उसने वापस रेफ्यूजी बनकर अफगानिस्तान जाने का फैसला करा। अफगानिस्तान में 1996 में सिविल वॉर खत्म ही हुआ था और अब तालिबान का कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान पर था। तालिबान ने ओसामा को कई ट्रेनिंग कैंप्स बनाने में हेल्प करी, जहां पर वो अलकायदा में आतंकवादी रिक्रूट करके उन्हें ट्रेन करता था। अलकायदा में शामिल होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी भी होती थी, जैसे कि वो एक अच्छे लिसनर्स होने चाहिए, उनमें गुड मैनर्स होने चाहिए, वो अपने से बड़ों की हर बात मानते हो, जिनके अंदर ये सब क्वालिटीज होती थी वो अलकायदा ज्वाइन कर सकते थे। एंड अब सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, पैलेस्टाइन, पाकिस्तान एंड और भी कई कंट्रीज से जवान लोगों ने अलकायदा को ज्वाइन करा। अब ओसामा को टेररिस्ट अटैक प्लान करने के लिए मानो एक जन्नत ही मिल गई थी। उसने अब अमेरिकन नॉवेल्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए। उसने लगभग 80-90 नॉवेल्स पढ़े थे, जिनसे उसने अमेरिका के लोगों की थिंकिंग पैटर्न को समझा। अब वो दिन रात प्लान्स बनाता रहता था कि वो कैसे यूएसए जैसे एक सुपर पावर को घुटनों पर ला सकता है। और तब उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया, एंड वो था ऑपरेशन अमेरिका, या फिर जिसे हम आज 9/11 अटैक के नाम से भी जानते हैं। उसने सऊदी अरेबिया के 19 लोगों को चुना इस आतंकवादी हमले के लिए, जिन्हें पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में अमेरिकन लिविंग स्टैंडर्ड्स, वहाँ के हाव भाव एंड एक अमेरिकन एक्सेंट इंग्लिश सिखाई गई और पूरा प्लान समझाया गया। ऑपरेशन अमेरिका को ओसामा ने 4 पड़ाव में बांट दिया, जिनमें से सबसे पहला पड़ाव स्टार्ट होता है 1999 में। अब उन लोगों को अमेरिका में जाकर अलग अलग फ्लाइंग स्कूल्स में एडमिशन लेना था और अच्छे से प्लेन उड़ाना सीखना था, और उन 19 आतंकवादियों ने बिल्कुल ऐसा ही करा। कोई कैलिफोर्निया गया, लास वेगास गया, कोई सैन फ्रांसिस्को गया, एंड ऐसे और भी कई जगह से उन्होंने अपना फ्लाइंग कोर्स पूरा करा। ये पड़ाव पूरा होने के बाद उनका दूसरा प्लान था एरोप्लेन्स को चूज करना, जो उनके बताए गए टारगेट से बिल्कुल पास से गुजरते हों, जिसमें उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से 4 एरोप्लेन्स को चुना। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 एंड यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। ये सभी कॉमर्शियल फ्लाइट्स थी, जिनमें 100 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स की कैपेसिटी थी। इस पड़ाव में भी वो पूरी तरीके से कामयाब हुए। एंड अब उनका तीसरा पड़ाव था प्लेन में बैठकर उसको बीच रास्ते में ही हाईजैक कर लेना। सभी आतंकवादी अलग अलग ग्रुप्स में बंट गए एंड सभी अपनी बताई गई फ्लाइट्स में बैठ गए और हथियार के दम पर सभी प्लेन्स को हाईजैक कर लिया। अब शुरुआत होती है आखिरी पड़ाव की। सभी प्लेन्स हाईजैक हो चुके थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी और यूएस मिलिट्री को भी ये चीज अब पता लग गई थी, लेकिन तब तक किसी को ये नहीं पता लगा था कि आखिर ये प्लेन्स जा कहाँ रहे हैं। अमेरिकन एजेंसीज इनसे कॉन्टेक्ट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी इन लोगों की डिमांड जानने के लिए, एंड ये उनको अपनी बातों में उलझा रहे थे। एंड तभी सुबह के 8:46 पर फ्लाइट नंबर 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पर टकरा गया और उसके आधे घंटे बाद ही यानी 9:16 पर फ्लाइट नंबर 175 जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पर टकरा जाती है, और देखते ही देखते आधे घंटे में दोनों बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती है। फ्लाइट नंबर 77 का टारगेट पेंटागन हेडक्वार्टर होता है और वो जाकर सीधी पेंटागन की वेस्टर्न साइड से टकरा जाती है। अब तक 3 प्लेन क्रैश हो चुके थे और हज़ारों लोगों की जान जा चुकी थी, एंड अब एक फ्लाइट बची थी, फ्लाइट नंबर 93। इस फ्लाइट का टारगेट था व्हाइट हाउस, जो कि सबसे ज़्यादा VVIP इलाका था, लेकिन फ्लाइट नंबर 93 के जो लोग थे उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उन आतंकवादियों से लड़ने लग गए, एंड वो प्लेन अपने टारगेट पर ना जाकर खाली जगह पर क्रैश हो गया। पूरा US इस अटैक से कांप गया। मात्र एक घंटे में 3,000 लोगों ने अपनी जान इस टेररिस्ट अटैक में गंवा दी, और इसीलिए ये इतिहास का सबसे भयानक आतंकवादी हमला है। And the fire door on 76 was locked. बाद में US इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने ओसामा बिन लादेन को इस अटैक का दोषी ठहरा दिया। शुरुआत में तो ओसामा ने इससे इनकार करा, लेकिन बाद में खुद ही एक्सेप्ट कर लिया।
10 साल तक ओसामा अमेरिका से छिपता रहा, बट फाइनली 10 साल के बाद यूएस ने उसका पता लगा लिया और वो उन्हें अबोटाबाद पाकिस्तान में मिला। एंड फिर अमेरिका की एजेंसी CIA ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पियर स्टार्ट करा और उसे 2011 में उसके घर में ही मार गिराया, जो कि पाकिस्तान में था। अगर आप लोग ऑपरेशन नेपच्यून स्पियर पर एक प्रॉपर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो। सो गाइज, ये था ओसामा का सारा कच्चा चिट्ठा सब कुछ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही और भी कई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें नॉलेज शॉर्ट को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।